कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर कराची में कुरंगी के इलाके से 13 साल लड़की की घर से फंदा लगी लाश मिलने का मुकदमा समान टाउन थाने में मकतूल लड़की के वालिद की मदियत में दर्ज कर लिया गया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के साथ कई बार ज्यादती की तस्दीक की है। लड़की के वालिद की मदियत में मुकदमा कत्ल और जना के दफात के तहत दर्ज किया गया है। मकतूला के वालिद का कहना है कि बेटी और उसकी बहन घर में अकेली थी। बड़ी बहन छोटे भाई के मदरसे गई तो मकतूला ने कुंडी बंद कर ली। बड़ी बहन ने वापस आकर दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा ना खुला। जब वालिद वापस आया उसने दरवाजा खटखटाया तो भी दरवाजा ना खुला। बराबर वाले घर से कूद कर जब अंदर गए तो पहली मंजिल के कमरे में फंदा लगी लाश मिली। डॉक्टरों ने बताया कि लड़की से कई बार ज्यादती की तस्दीक हुई। मुझे शक है कि नामालूम मुलजमान ने अपना राज खुल जाने के डर से मेरी बेटी को कत्ल किया। पुलिस सर्जन समिया सईद के मुताबिक बच्ची की शिनाख्त 13 साल की मेहनाज ताहिर के नाम से हुई है। मेहनाज का तिब्बी मुआयना किया गया है जिसमें बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हुई, जबकि बच्ची की मौत गला दबाने के बायस दम घुटने से हुई। बच्ची के जिस्म डीएनए नमूने हासिल करके उसे मैच के लिए भेज दिया गया है।